वेलकम स्टूडेंट टू द डीएमपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वापस बात करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की साइंस की। उस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डाइट, बैलेंस डाइट, फूड क्यों इसेंशियल है, मल न्यूट्रिशन। आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर की। आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? वाटर की। वाटर मतलब पानी, और वाटर हमारे लिए क्यों इसेंशियल होता है? क्योंकि वाटर से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। वाटर से हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? एनर्जी। और वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जा रहे हैं कि हमें पानी को बचाना चाहिए, वाटर इज लाइफ या वाटर इज इसेंशियल, ये सारा कुछ चल रहा है। अब बात करते हैं वाटर। वाटर होता क्या है? वाटर मीन्स सिंपल फॉर्मूला होता है इसका H2O। और ये H2O या वाटर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है आपके? दो टाइप का होता है। पहला टाइप स्टूडेंट इसका होता है पोर्टेबल वाटर। पहला कौन सा होता है? पोर्टेबल वाटर। और दूसरा होता है अनपोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल और अनपोर्टेबल वाटर। अब पोर्टेबल वाटर क्या होगा? पोर्टेबल वाटर मीन्स दैट ड्रिंकेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मीन्स दैट ड्रिंकेबल वाटर इज पोर्टेबल वाटर। जो पानी हम पी सकते हैं वो आपका क्या है? पोर्टेबल वाटर। और अनपोर्टेबल वाटर क्या होगा? अनड्रिंकेबल या फिर पॉल्यूटेड वाटर। द अनड्रिंकेबल वाटर और द पॉल्यूटेड वाटर इज नोन एज अनपोर्टेबल वाटर। अब बात करते हैं कि कौन सा वाटर पोर्टेबल होगा और कौन सा वाटर क्या होगा? अनपोर्टेबल होगा। यानी कौन सी क्वालिटीज होती है, कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो वाटर को पोर्टेबल या फिर अनपोर्टेबल बनाती है? तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटीज, और वो भी किसकी? पोर्टेबल वाटर। क्वालिटीज ऑफ पोर्टेबल वाटर। क्वालिटीज ऑफ पोर्टेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी में क्या गुण होने चाहिए, क्या उसकी क्वालिटीज होती है। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है क्या? पीएच अंडर कंट्रोल। पीएच होता है वाटर का, वो क्या होना चाहिए? अंडर कंट्रोल होना चाहिए। इट मींस द पावर ऑफ हाइड्रोजन इन द वाटर। पीएच मतलब क्या हो गया? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन की पावर आपके H2O में क्या होनी चाहिए? कंट्रोल होनी चाहिए, या फिर वो क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए। यानी उसका पीएच ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कहने का मतलब जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच होता है स्टूडेंट 7। कितना होता है? 7। 7 मतलब वो क्या हो गया? एक न्यूट्रल थिंग होगी, ना तो एसिडिक है ना ही क्या है? बेसिक है। तो उसका पीएच क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए। ना तो एसिडिक होना चाहिए ना ही क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। दूसरी और मेन चीज क्या होती है? उसके अंदर विजिबल पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। उसमें क्या नहीं होने चाहिए? विजिबल पार्टिकल्स। विजिबल पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया? विजिबल पार्टिकल्स मतलब हो गए इम्प्योरिटीज। विजिबल पार्टिकल मतलब क्या हो गया? इम्प्योरिटीज। यानी उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। उसका पीएच अंडर कंट्रोल होना चाहिए और उसके अंदर किसी तरह के विजिबल पार्टिकल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दो क्वालिटीज होती है जो वाटर को पोर्टेबल बनाती है। ये दो क्वालिटीज होती है जो वाटर को क्या बनाती है? पोर्टेबल बनाती है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पोर्टेबल वाटर। यानी आपके पोर्टेबल वाटर के अंदर क्या ऐसा क्या क्वालिटी होती है, ऐसी क्या चीजें होती है जिससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, यानी आपके लिए वो कैसे हेल्पफुल होती है? इसकी पहली एडवांटेज होती है ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करती है? मेंटेन करती है। बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है? मेंटेन करती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का मतलब हो गया कि वाटर की वजह से आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। वाटर की वजह से आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। आप फिट रहेंगे और एनर्जीफुल रहेंगे, यानी वाटर आपकी बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। दूसरी चीज होती है ये अनवांटेड फैट को स्टोर नहीं होने देता। आपका पोर्टेबल वाटर जो अनवांटेड फैट होता है ना, जिसको आप मोटापा बोल सकते हो, उसको स्टोर नहीं होने देता। अनवांटेड फैट को स्टोर नहीं होने देता, उसको स्टोर होने से क्या करता है? रोकता है। इस अनवांटेड फैट को स्टोर होने से रोकने के लिए आपको डेली 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर, यानी 7 से 8 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए, जिससे आपका अनवांटेड फैट क्या होगा? स्टोरेज नहीं होगा। उसके बाद सेवरल एलर्जी, यानी डिफरेंट टाइप की जो एलर्जीज है वो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून नहीं हो पाती, यानी आपकी आपको किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती। यानी इट कंट्रोल द एलर्जीज, यानी पोर्टेबल वाटर कंट्रोल द एलर्जीज। तो ये एलर्जी को कंट्रोल करेगा, अनवांटेड फैट को स्टोर नहीं होने देगा, और आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या रखेगा? मेंटेन रखेगा। इट मींस ये आपको एनर्जी देगा, यानी ये आपको एनर्जी फुल रखेगा, टायर्ड थकने नहीं देगा, आपको क्या नहीं होने देगा? थकने नहीं देगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट अनपोर्टेबल वाटर की। पोर्टेबल वाटर हो गया, उसकी दो क्वालिटीज होती है। दो क्वालिटीज कौन सी होती है पोर्टेबल वाटर की? कि उसमें किसी भी तरीके कोई विजिबल आपकी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद उसकी पीएच अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। एडवांटेज हो गई आपकी। एडवांटेज क्या थी? कि ये आपको चीयरफुल रखेगा, इट मींस आपको एनर्जी देगा, उसके बाद अनवांटेड फैट को स्टोर नहीं होने देता, और आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की एलर्जी को इम्यून नहीं होने देता। उसके बाद करते हैं अनपोर्टेबल वाटर। उसके बाद बात करते हैं किसकी? अनपोर्टेबल वाटर। अनपोर्टेबल वाटर यानी इम्प्योर वाटर। यानी अनपोर्टेबल वाटर की क्या क्वालिटीज होगी? उसका पीएच क्या होगा? मिसमैच, या तो अबोव द 7 या फिर बिलो द
यानी सात से आप ऊपर होगा या सात से क्या होगा नीचे होगा, यानी उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक होगा। ये आपके लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। इससे सेवन टाइप की डिजीज हो सकती है, इससे बहुत टाइप की क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। जैसे राजस्थान के अंदर 2000 के आसपास इन द ईयर ऑफ 2000 के अंदर क्या हुआ कि वाटर की इम्प्योरिटी की वजह से बाला या फिर नारू डिजीज, बाला या फिर नारू डिजीज, एक ही डिजीज के दो नाम है, बाला या फिर नारू डिजीज। ये बाला या नारू डिजीज हो गई थी लोगों के अंदर, और इसका मेन रीजन क्या था, ड्रेंकुलस, ड्रेंकुलस नाम का बैक्टीरिया था जिसकी वजह से ये डिजीज होती थी। और वो ड्रेंकुलस बैक्टीरिया किसे मिलता था, अनपोर्टेबल वाटर में, वो ड्रेंकुलस बैक्टीरिया किसे मिलता था, अनपोर्टेबल वाटर में। तो कहने का सीधा सा मतलब है, अनपोर्टेबल वाटर की वजह से आपको किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपका प्रतिरक्षा तंत्र वो क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं पोर्टेबल और अनपोर्टेबल के बाद बात आती है आपकी किसकी, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब है मोटापा। अब अभी बात कर रहे थे कि पोर्टेबल वाटर का यूज करने से अनवांटेड फैट स्टोर नहीं होता, यानी आपकी ओबेसिटी कंट्रोल रहती है। अभी ओबेसिटी होती क्या है, व्हाट इज दिस ओबेसिटी, ओबेसिटी मींस क्या हो गया, द स्टोरेज ऑफ अनवांटेड फैट, स्टोरेज ऑफ अनवांटेड फैट, स्टोरेज ऑफ अनवांटेड फैट, यानी आपकी अनचाहे फैट, फैट यानी वसा या चर्बी जिसको आप बोल सकते हो, उस अनचाहे वसा या चर्बी का स्टोरेज होना, आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना है उसके, वही क्या होता है, ओबेसिटी होता है। अब ये तो होगी सिंपल सी डेफिनेशन की, स्टोरेज ऑफ फैट, अनवांटेड फैट इज नोन एज ओबेसिटी। अब बात करते हैं आपकी अकॉर्डिंग टू बीएमआई, बीएमआई मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स यानी आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने एक वेट लिस्ट तैयार कर रखी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से वेट लिस्ट तैयार की है, इस हाइट और इस बॉडी के साथ इस इंसान का वेट ये होना चाहिए, अगर आपकी बॉडी उस वेट के अकॉर्डिंग है तो आपकी ओबेसिटी कंट्रोल में, उभरना नहीं है। तो ओबेसिटी की इसकी दो लिमिटेशन है, पहला क्या, 25 kg/m², अगर आपके बॉडी बीएमआई 25 kg/m² है तो आपकी ओबेसिटी अंडर द कंट्रोल है, यानी आपकी ओबेसिटी मोटापा क्या है, कंट्रोल में है। 25 kg/m², कहने का मतलब आपकी बॉडी के 1 m² एरिया का वेट अगर 25 kg के आसपास है तो आपकी ओबेसिटी कंट्रोल में है। लेकिन अगर यही बीएमआई 30 kg/m² हो जाता है, यही बीएमआई 30 kg/m² हो जाता है, उस समय 30 kg/m² होने पे आपकी ओबेसिटी क्या हो जाती है, अंडर कंट्रोल नहीं रह पाती, यानी वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। सीधा सा मतलब हो गया, जब आपका बीएमआई 25 kg/m² है तो आपकी ओबेसिटी कंट्रोल में है, जब आपका बीएमआई 30 kg/m² हो गया तो आपकी ओबेसिटी क्या हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब बात करते हैं कि ओबेसिटी तो पता चल गया क्या होता है, लेकिन इस ओबेसिटी के डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान है इस ओबेसिटी के, ओबेसिटी की वजह से सबसे पहली आती है आपकी क्या, हार्ट डिजीज, कौन सी बीमारियां, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, हार्ट अटैक या फिर हार्ट की पंपिंग में किस तरह की दिक्कत, यानी दिल से जुड़ी बीमारियां आपको हो सकती है, यानी हार्ट डिजीज के बहुत मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। उसके बाद होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी आपको सोने में दिक्कत होगी, यानी नींद न आना, कम आना, ऐसी कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं, किसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से। और जो ओबेसिटी जिस इंसान के पास होती है, यानी जो मोटा इंसान होता है, उसकी एवरेज एज, उम्र वो भी क्या हो जाती है, लेस यानी कम, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एवरेज एज कम हो गई, उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया और उसको हार्ट डिजीज भी हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट, जो ओबेसिटी का शिकार इंसान है उसका इम्यूनिटी सिस्टम मतलब क्या हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र, उसका वो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगा, बहुत वीक हो जाता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। इसका मतलब उसको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी घर कर सकती है, उसको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात हो गई आपकी पोर्टेबल अनपोर्टेबल वाटर की, ओबेसिटी की, अब बात करते हैं आपकी किसकी, ब्लड प्रेशर की, अब बात करते हैं किसकी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यानी क्या हो गया आपका, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का सीधा सा मतलब हो गया रक्तदाब, सीधा सा मतलब क्या हो गया, रक्तदाब। अब रक्तदाब से क्या मतलब होता है, रक्तदाब से मतलब द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड, बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड, सर्कुलेटिंग ब्लड, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड, यानी जो बहने वाले खून के द्वारा, ब्लड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, डाला जाता है, वो ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन ये सर्कुलेटिंग ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करेगा किस पे, वो करेगा किस पे, ऑन द वॉल्स ऑफ
वॉल्स ऑफ ए ब्लड वेजल, ऑन द वॉल्स ऑफ ए ब्लड वेजल। ब्लड वेजल मतलब रक्त वाहिका, यानी ब्लड एक स्पेसिफिक टाइप के ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट होता है, प्रसंचरित होता है, वो ट्यूब ही क्या कहलाती है, ब्लड वेजल कहलाती है। इट मीन्स व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब बात आई ब्लड वेजल की, ये ब्लड वेजल्स क्या होती है, ब्लड वेजल्स क्या होती है। तो स्टूडेंट, ब्लड वेजल्स यानी द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच सर्कुलेट द ब्लड इन आवर बॉडी। ब्लड वेजल मीन्स क्या हो गया, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच सर्कुलेट द ब्लड इन आवर बॉडी। द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच सर्कुलेट द ब्लड इन आवर बॉडी इज नोन एज अ ब्लड वेजल। ये ब्लड वेजल होती है स्टूडेंट दो, कितनी होती है दो, पहला होता है आर्टरीज और दूसरी होती है कौन सी, विंस। मेनली दो ही होती है, आर्टरीज और विंस। आर्टरीज यानी जो आपके हार्ट से ब्लड बॉडी तक लेके जाती है, आपके हार्ट से बॉडी तक ब्लड लेके जाती है। हार्ट में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है, उस ऑक्सीजन मिक्स वाले ब्लड को हार्ट से आपकी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाती है, चाहे पैर हो चाहे सर हो चाहे हाथ हो, हर जगह कौन लेके जाएगा, आर्टरीज। और वेंस क्या होती है, जो आपकी बॉडी से लेके कहां से है, वापस हार्ट में, बॉडी में आपके ब्लड चला गया पैरों के अंदर, उस ब्लड में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट आपके पैर ने निकाल ली। अब वो ब्लड क्या होता है, वेंस के थ्रू वापस हार्ट में आता है, वापस किस में आता है, हार्ट में आता है। आर्टरीज हार्ट से बॉडी में लेके जाती है ब्लड और विंस बॉडी से हार्ट में लेके जाती है। आर्टरीज को क्या कहते हैं, धमनी, और विंस को क्या कहते हैं, सीरा। विंस मतलब क्या हो गई, सीरा, तो धमनी और सीरा, ये होती है आपकी ब्लड वेजल्स। तो अब आप जान सकते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड वेजल्स क्या होती है। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर स्टूडेंट लिखी जाती है 120/80, यानी 120/80। अब इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस ये तो 120 तो हो गई आपकी हायर वैल्यू, ये तो कैसी हो गई, हायर वैल्यू, और 80 क्या हो गई आपकी लोअर वैल्यू, ये कैसी हो गई, लोअर वैल्यू। तो ये तो हो गई हायर वैल्यू और ये हो गई लोअर वैल्यू। द हायर वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इज 120 एंड द लोअर वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इज 80। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपको इन सब के नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इनकी डेफिनेशन क्या करनी है, लर्न करनी है। थैंक यू।